गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। और सब घर में कैसे हो? सब अच्छे हो ना? और आप सब पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? जो भी वीडियोस जा रहे हैं, क्लास वर्क, होमवर्क सब कर रहे हो? गुड। तो चलो आज फिर से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश में क्या लिखना सीखेंगे? आज हम सब इंग्लिश में क्या लिखना सीखेंगे, बोलो बोलो। देखो यहाँ पे मैंने आपको कल स्मॉल लेटर में W सिखाया था, तो आप ही सोचो, ABCD पढ़कर बोलो कि W के बाद फिर क्या आएगा, आफ्टर W क्या होगा? यस, X। तो आज चलो हम लोग X लिखेंगे। तो पहले हम कैपिटल लेटर में एक X लिखेंगे, उसके बाद हम सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो अपनी इंग्लिश की कॉपी निकालो और पेंसिल भी साथ में रखो, और मेरे साथ आप भी लिखोगे। पहले हमें कैपिटल लेटर में X लिखना है, तो हम 2 पॉइंट्स यहाँ बना लेते हैं ताकि लाइन स्लैंटिंग लाइन, और एक यहाँ पॉइंट और एक यहाँ पॉइंट, और ऐसे आप जो क्रॉस का देते हो ना निशान, वैसे ही होता है X। बहुत आसान है ना, सिंपल सा। और ठीक वैसे ही हमें स्मॉल लेटर में लिखना है, बट हमें 2 लाइंस में लिखना है। मैंने जब कैपिटल लेटर में लिखा तो वो 3 लाइन को टच करते हुए लिखा, 1 2 3, बट हम जब स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो हम 2 लाइन में टच करते हुए लिखेंगे। तो एक यहाँ और एक यहाँ, और इस लाइन को हम लोग मिला देंगे, और फिर एक यहाँ और एक यहाँ, फिर इस लाइन को यहाँ मिला देंगे। क्या बन गया आपका ये X? X फॉर क्या होता है? X मस्ट ही होता है ना। फिर से देखो, 4 पॉइंट बना लो इधर और इधर, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से और क्रॉस कर दो, बन गई आपका X, है ना, बहुत सिंपल सा। 2 डॉट को एक साथ मिलाओ और फिर इधर के डॉट को इधर से मिलाओ, यानी कि क्रॉस में मिलाना है। अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो फिर ये नहीं बनेगा, आपको क्रॉस के साथ, मैंने यानी यहाँ से और फिर एक यहाँ से X, ठीक है। इसमें आपको तो डॉट देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको डॉट से ही पहले से ही बता दिया। कैपिटल में इस लाइन को यहाँ मिलाओगे और फिर इस डॉट को यहाँ से मिलाओगे, ठीक है। और जब हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो 4 ही डॉट्स होंगे, बट 2 लाइन्स में होंगे, एक यहाँ से यहाँ इस लाइन को मिलाओ, फिर एक यहाँ डॉट इस लाइन से क्रॉस कर दो, ठीक है, बन गया ये आपका X। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी। हिंदी में मैंने आपको कल ट ठ ड ढ मूर्धन्य ण, ठीक है, लिखना सिखाया। अब बताओ मूर्धन्य ण के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? त त थ द ध न। तो चलो लिखते हैं। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर बीच से एक यहाँ और इसको नीचे की ओर ले आएंगे। क्या हो गया ये आपका त? त से तलवार, त से तरबूज, खाते हो ना आप सब वाटरमेलन। अब थ लिखोगे कैसे? पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे और जैसे 2 लिखते हो ना, 1 2, वैसे 2 बना के यहाँ टच करोगे और यहाँ पे कूल बना दो, बन गया ये आपका थ। थ से थर्मस। अब हमें क्या लिखना है? द। तो ट ऐसा लिखोगे जो मैंने कल आपको ट बताया था ऐसा, और फिर यहाँ से इसकी छोटी सी तेल निकाल दो, क्या बन गया आपका ये द। द से दवात। अब हमें ध लिखना है, जैसे घ लिखते हो ना वैसे ही लिखोगे, या फिर 3 बनाकर। तो पहले हमने 3 बनाया, उल्टा 3, और इस लाइन को मिलाओगे और यहाँ पे छोटा सा गोल बना दो। अगर आप ये गोल नहीं बनाओगे या फिर इसकी लाइन नहीं निकालोगे तो फिर ये आपका घ कहलाएगा। जब तक आप यहाँ पे गोल या फिर इसकी एक लाइन नहीं निकालोगे तब तक ये ध नहीं बनेगा। अब फिर देखो न, तो एक लाइन और फिर गोल बना दो, बन गया ना ये ना, त थ द ध न। चलो फिर एक बार और मैं बताती हूँ। पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे और मिडिल से एक लाइन निकालो छोटा सा, और यहाँ इसको नीचे की ओर ले आओ, लाइन से मिला दो, हो गया आपका त। था कैसे लिखोगे? पहले लाइन और एक 2 बनाओगे, 2 जिसे लिखते हो 1 2, और यहाँ पे इसको गोल बना दो, बन गया आपका थ। द कैसे लिखोगे? पहले हम ट लिखेंगे और फिर इसका एक छोटा सा टेल निकाल देंगे, बन गया आपका द। अब ध कैसे लिखोगे? पहले हमें 3 बनाना है और फिर इस लाइन को मिला देना है, और यहाँ से छोटा सा लाइन इसको निकाल दो, यहाँ पे एक छोटा सा राउंड शेप बना दो,
बन गया धा, धा से धनुष और ना पहले लाइन और निडिल से एक छोटा सा गोल बना दो। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैथ्स। मैथ्स में आज हम लोग क्या लिखेंगे? 74 के बाद क्या आता है? ये 74 के बाद 75। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले 7 देन 5, 75। तो पहले हम 7 लिखेंगे और उसके बाद हम 5 लिखेंगे। 7 5 75, 7 एंड 5, 7 5 75 लिखोगे और साथ में आप बोलते भी जाओगे 7 5 75, ठीक है। चलो फिर बार और मैं आपको डॉट देकर बताती हूँ। पहले हम 7 का डॉट देंगे और उसके बाद 5। पहले क्या देंगे डॉट? 7 एंड 5, 7 एंड 5, 7 एंड 5। सारे डॉट दे दिया हमने। अब सारे डॉट को हम पेंसिल चलाकर ड्रॉ कर लेंगे, मतलब सारे डॉट को एक दूसरे से हम सब मिला लेंगे। 7 5 75 हो गया ना। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है। आपका लाइव क्लास चलता है, ठीक है बेटा। आपका सुबह में, मॉर्निंग में 8 o'clock में आपका लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास होता है नर्सरी का। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हो आप सब ज्वाइन करोगे। आपका जो लिंक है वो ब्राइटलैंड ऐप में है, वहाँ पे जाओगे, नर्सरी के लिंक को क्लिक करोगे और फिर आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। टाटा।